हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव रहता है कि फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उसकी अपडेट आपको दें। तो दोस्तों, एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की, इंश्योरेंस की। देखिए, आज के टाइम में इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है पर इंश्योरेंस काफ़ी कम लोगों का है, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में हम बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और इंश्योरेंस मेजोरिटी पॉपुलेशन का हो रहा होता है, इसलिए वो अपनी लाइफ को सिक्योर फील करते हैं। तो इसी को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक विजन है कि इंडिया को इंश्योर्ड करें, पूरी इंडिया को। अब देखिए, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे या हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो उनके प्रीमियम काफी ज्यादा होते हैं और हर कोई नहीं ले पाता, स्पेशली रूरल एरिया के लोग नहीं ले पाते। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने दो स्कीम चलाई है इंश्योरेंस की, जिसमें आपको केवल 12 रुपए में या 300 रुपए में काफी बड़े अमाउंट का एक इंश्योरेंस मिल जाता है। तो वो जो दो स्कीम है, एक है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों से रिलेटेड ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इनका प्रीमियम 7 साल बाद बढ़ा दिया गया है। तो आइए जानते हैं क्या था पहले प्रीमियम, क्या बेनिफिट मिलते हैं और अब नया प्रीमियम कितना हो गया। तो देखिए, ये सबसे पहले हम स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो जो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका जो इंश्योरेंस था दोस्तों, ये 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और आज 2022 यानी 7 साल तक इसका प्रीमियम केवल गवर्नमेंट ने 330 रुपए ही रखा था, कोई भी प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया इसका। और इसमें आपको इंश्योरेंस कितने मिलता था, 2 लाख रुपए का, यानी एक तरीके से एक टर्म इंश्योरेंस था। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो अगर उसने ये इंश्योरेंस ले रखा है तो 2 लाख रुपए उसकी फैमिली को दे दिए जाते थे। तो ये 1 साल का प्रीमियम है, 1 साल का 330 रुपए, हर साल ये आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता था। इस प्रीमियम को 7 साल बाद बढ़ा दिया गया है और ये जो नया प्रीमियम कर दिया गया है वो कर दिया गया है 436 रुपए, और ये एप्लीकेबल हो जाएगा अभी 1 जून 2022 से, यानी आज ही के दिन से। तो इस साल जो आपका 2022-23 का प्रीमियम डिडक्ट होगा वो 330 रुपए नहीं होगा, 436 रुपए होगा। और ये इंक्रीज कितना हो गया, 32% का इंक्रीज हो गया। अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने ये क्यों इंक्रीज करा और इससे आपको फर्दर क्या बेनिफिट मिलेगा। दूसरी स्कीम है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक तरीके से एक्सीडेंट वाला केस होता था या अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती थी किसी पर्सन के लिए, तो उसके लिए इंश्योरेंस है। इसका प्रीमियम मात्र केवल 12 रुपीज जाता था जो 2015 से 2022 तक, पर अब 2022-23 के लिए ये प्रीमियम 20 रुपीज कर दिया गया, यानी इसमें काफी बड़ा इंक्रीज है, 67% का। पर आप देखिए, 12 रुपए में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है कि अगर किसी पर्सन की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिलेंगे, या अगर कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से तो अभी उसको 2 लाख रुपए तक का अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये तो पता लग गया, ये दो स्कीम है। और अगर अभी तक आपने ये स्कीम नहीं ले रखी है तो आप अपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो केवल ये प्रीमियम का अमाउंट आपका डिडक्ट करेंगे और आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, या आप इसको ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी खुद कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये प्रीमियम बढ़ा है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए, दो टेबल है यहाँ पे, एक जो नीचे वाली टेबल है क्लेम, आप ये देखिए 31 मार्च 2022 तक गवर्नमेंट ने क्या बताया कि दोनों स्कीम से कितना प्रीमियम आया है अभी तक गवर्नमेंट के पास और कितने के क्लेम पे करे हैं। तो आप देखिए, जो पहली स्कीम थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें गवर्नमेंट का प्रीमियम जो रिसीव हुआ है वो करीबन 9,700 करोड़ का प्रीमियम रिसीव हुआ है, जबकि इसका प्रीमियम गवर्नमेंट ने अभी तक 14,000 करोड़ से ज्यादा तक का दिया है, यानी काफी प्रीमियम कम रिसीव हुआ है पर क्लेम का अमाउंट गवर्नमेंट को काफी देना पड़ा, अपने पास से वो पैसे देने पड़े। सेम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी अगर आप बात करें तो केवल 1,134 करोड़ का प्रीमियम रिसीव हुआ है, पर जो क्लेम पे करने पड़े वो 2,513 करोड़ के। तो इसी रेशियो को देखते हुए कि क्लेम काफी आ रहे हैं, काफी पे करने पड़े और प्रीमियम काफी मिनिमम अमाउंट है जो आपको कहीं भी प्राइवेट प्लेयर्स में नहीं मिलेगा, तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बढ़ाया है कि रेशियो मेंटेन हो जाए। और देखिए, अभी तक अगर एक्टिव सब्सक्राइबर्स की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करीबन 6.4 करोड़ इसके एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 5 साल में ये बढ़ा के 15 करोड़ कर दिए जाए, यानी करीबन 15 करोड़ सब्सक्राइबर इस स्कीम के अंदर आनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्योंकि इसका प्रीमियम 12 रुपए था केवल कम था, तो 22 करोड़ लोगों ने इस फैसिलिटी को अवेल कर रखा है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 37 करोड़ तक इसको बढ़ा के कर दे। तो लेट्स सी, लोगों को नॉलेज हो रही है काफी लोगों को, धीरे धीरे वो इन स्कीम्स को अवेल कर रहे हैं,
बेनिफिट ले रहे हैं इस स्कीम का। तो ऑब्जेक्टिव ये था वीडियो का कि आप ये प्रीमियम ध्यान रखिए कि इस साल से जो आपका प्रीमियम 330 रुपये कटता था अगर आपने ले रखा है तो 436 रुपये कटेगा, और जहां पहले 12 रुपये कटता था अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें वहां 20 रुपये कटेगा। तो एक अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, वीडियो पसंद आए, और अगर आपको लगे नॉलेज इन्फॉर्मेटिव है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर किसी ने ये इंश्योरेंस नहीं ले रखे तो वो इन इंश्योरेंस की जानकारी करके इनको बैंक्स के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू अवेल कर सके। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।